हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही डिफरेंट तरीके से नूडल्स की रेसिपी। तो जैसा कि गाइस आप सब नूडल्स खाते होंगे, आपने हक्का नूडल्स खाए हैं, आपने एक साउथ इंडियन शॉप पे जो चाउमीन मिलती है वो बहुत ही शौक से खाते हैं बच्चे। तो गाइस, आज हम उसको कुछ डिफरेंट तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो आज जो हम अपनी नूडल्स बनाने जा रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी नूडल्स। बहुत ही यम्मी बनी थी गाइस, बहुत ही मज़ेदार सी नूडल्स बनी थी। तो गाइस, आज एक ही वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगी कि पहले हम तंदूरी मसाला, एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कोई भी तंदूरी हमने डिश बनानी है, कोई भी तंदूरी हमने रेसिपी बनानी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका तंदूरी मसाला। अगर वो आपका मसाला परफेक्ट बना है तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी ही बनेगी। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको मसाला बनाना सिखाएंगे कि हमने तंदूरी मसाला कैसे बनाया, और उसके बाद हम बनाएंगे तंदूरी अपनी चाउमीन, तंदूरी चाउमीन, तंदूरी नूडल्स, बहुत ही मज़ेदार से, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। गाइस, यकीन मानिए आप सबको भी बहुत पसंद आएगी, मुझे बहुत ही पसंद आई थी, मैंने बनाई और मैंने बहुत ही मज़े से खाई थी ये रेसिपी को। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई में ले रहे हैं पानी, और पानी के अंदर हमने ऐड किया है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अब हम इसी के साथ ऐड करेंगे अपने नूडल्स को। नूडल्स हमने इसके बीच में डाल दिए हैं और उबलने के लिए इसे रख देंगे गैस पर। तो नूडल्स आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, और जो आप कुकिंग ऑयल इसके बीच में डालेंगे तो ध्यान रखिएगा सरसों का तेल मत डालना, नहीं तो बहुत अजीब सी महक आएगी। आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ करें तो बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ गया है पानी के अंदर, जो नूडल्स हैं वो डिप हो गई हैं पूरी। और अभी हम थोड़ा सा और डिप करके इसको उबाल लेंगे अच्छे से, और यहाँ पर मैं ना लिड लगा रही हूँ ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं हमारी नूडल्स। तो अब यहाँ पर हम कर देंगे गैस का फ्लेम बंद, और इसे गर्म पानी में से हम निकाल लेंगे। तो गर्म पानी से निकालने के बाद यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैं ले रही हूँ दही। यहाँ पर हमें ना हंकर होती है ना, जैसे गाढ़ी गाढ़ी दही, बस वैसी चाहिए। बिल्कुल देख रहे हैं आप, पानी वाली दही नहीं है, इसी तरह गाढ़ी गाढ़ी दही चाहिए। और इसके बीच में यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल यहाँ पर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरसों के तेल से ही यहाँ पर फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ मैंने ऐड किया है एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, जिससे कि बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देगी। ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, और बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, जिससे कि बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये जो हम तंदूरी मसाला आज बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सा तंदूरी मसाला बनके तैयार होगा। एक प्रॉपर बाजारी कलर भी आएगा, टेस्ट भी आएगा, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। और बिना पानी के आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अच्छे से इसे फेंट रही हूँ, तो काफ़ी अच्छे से आप इसे मिला लें। तो यहाँ पर हमारा तंदूरी मसाला जो है बनके तैयार हो चुका है। और अब एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर लिया है कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर हमने ऐड किया है एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे थोड़ी देर के लिए हम सॉटे करेंगे ऑयल में। और यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ रफली चॉप अनियन, बिल्कुल पतले पतले। जब भी हम कुछ चाउमीन या नूडल्स बनाते हैं तो बिल्कुल पतली पतली वेजिस को काटना होता है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कैप्सिकम भी मैंने काफ़ी पतली पतली काटी हुई है, बिल्कुल आप बारीक बारीक कट करें इसे। और यहाँ पर मैंने लिया है गाजर, गाजर को भी मैंने काफ़ी अच्छे से पतला पतला कट किया है। तो अब यहाँ पर थोड़ी देर हम सब्जियों को करेंगे सॉटे, तो इसी के साथ थोड़ी सी पत्ता गोभी भी ऐड कर देते हैं। पत्ता गोभी वैसे ही नूडल्स में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देती है, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है पत्ता गोभी, और सारी वेजिस को अच्छे से हम सॉटे करेंगे थोड़ी देर के लिए। ओवर कुक नहीं करते कभी भी कुछ हम ऐसा बना रहे हो, जैसे चाउमीन या ऐसी कोई भी रेसिपी बनती है, तो उसमें वेजिस को ओवर कुक नहीं किया जाता। थोड़ी सी वेजी को सॉटे करने के बाद यहाँ पर हमने जो अपना तंदूरी मसाला बना के तैयार किया था वो मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दो बड़े चम्मच। और वो मसाला डालने के बाद मैंने अच्छे से वेजिस के साथ ही इसको मिक्स कर दिया है। तो आज बहुत ही डिफरेंट टाइप के नूडल्स बना रहे हैं। अक्सर नॉर्मल नूडल्स तो हर कोई बना लेता है, पर आज इस ये जो नूडल्स बना रहे हैं ना, यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं आधा नींबू, आधा नींबू हम इस मसाले के अंदर डाल देंगे, जो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देगा इसको। तो गाइज़, आपको लग रहा हो क्या नूडल्स के अंदर क्या नींबू डाल दिया है, पर आप जब घर पर बनाएंगे
तो यकीन मानिए चाट चाट के उंगलियाँ खा जाएंगे इसको अच्छे से। और यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। वैसे तो हमारे जो मसाला डाला था उसमें नमक है, पर फिर भी थोड़ा सा नमक हम और ऐड करेंगे इसमें। तो वेजेस हमने अच्छे से मसाले के साथ कुक कर दी हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा विनीगर। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने करीबन 2 चम्मच विनीगर का ऐड किया है। 2 चम्मच विनीगर डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और अब हमने जो अपनी नूडल्स को बॉयल पहले से कर लिया था वो हम इसके बीच में डालेंगे। तो गाइस ध्यान रखें, जब भी नूडल्स को आप उबालें ना तो पानी से, गर्म पानी में से निकाल लें ताकि वो आपस में चिपके नहीं। तो यहाँ पर थोड़ी सी नूडल्स मैंने इसके बीच में डाल दी हैं और अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे अक्सर जो नूडल्स बनती हैं उनका कलर ब्लैक कलर में आता है, पर यहाँ पर हमारी ऑरेंज शेड की नूडल्स बन रही हैं। तो ये तंदूरी नूडल्स हैं गाइस, यकीन मानिए बहुत मज़ेदार बनेंगी, बच्चे हों बड़े हों बहुत ही शौक से खाएंगे। एक डिफरेंट फ्लेवर में आज हमने आपको नूडल्स बनाकर दिखाई हैं, तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे मसाले हमने अच्छे से हिलाते डुलाते हुए बातें करते हुए मिक्स कर दिए हैं इसके बीच में। तो बहुत सारी बातें तो कर ली, पर एक सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है अब इसके बीच में डलेगा वो है, आप देखोगे तो पता चलेगा, वो है हमारा कोयला। तो यहाँ पर थोड़ा सा और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए तंदूरी अपनी चाउमीन को हमने यहाँ पर कोयले को जलाकर रखा है, और यहाँ पर थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल और इसके ऊपर लगा देंगे हम लिड और अच्छे से इसके अंदर स्मोक का फ्लेवर एक आने देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा धुआं धुआं इसके अंदर आ गया है, और जो इस धुएं का टेस्ट आता है ना बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर कोयले का हमने इसके अंदर स्मोक दे दिया है, और इस कटोरी को हम निकाल लेंगे बाहर और गर्मा गर्म अपनी नूडल्स को हम करेंगे सर्व। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट में अपनी नूडल्स को गर्मा गर्म कर दिया है सर्व। थोड़ा सा और डिलीशियस बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं स्प्रिंग अनियन, जो बहुत ही मज़ेदार सा इसको फ्लेवर देंगे। तो गाइस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज हमने घर पर बनाई है, यकीन मानिए बहुत पसंद आएगी। मेरे घर पर बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने बहुत ही शौक से खाई थी। बहुत ही डिफरेंट टाइप की आज हमने नूडल्स आपको बनाकर दिखाई है। तो घर पर बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, और हाँ हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए कि कैसी लगी आपको हमारी ये नूडल्स की रेसिपी। जल्दी मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।